हाँ हेलो दोस्तों, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टार्टर कैसे काम करता है और ये कैसे समर को चालू कर देता है और कम बत्ती होने पर ये चालू नहीं कर पाता है, इसका कारण क्या है। चलो हम स्टार्टर खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये स्टार्टर है। इसमें से ये वो बता देता है कि किस तरह इसको करना है, किस तरह नहीं करना है। यह दूसरी पे बत्ती आती है तो ये इसको चालू नहीं करता है, क्योंकि ये ऑटोकट में एक ऐसा सेंसर वो लगा होता है जिससे कि ये चालू नहीं हो पाती है। और जब भी तीनों तार पे बत्ती पूरी आती है उसके बाद में ही चालू होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑटोकट है, ये ऊपर लगा देते हैं तो फिर ये बाहर जो बटन दिख रही है ये यहाँ से सिर्फ एक ही बटन से चालू होएगा और उसके बाद इससे नहीं होगा। यदि आपका जैसे बटन दबी रह जाती है तो आपको ये लाल रेड बटन है ना, इसको बंद करना चाहिए ताकि रात नहीं चालू ना। बाद में आप देख सकते हैं यदि समर यदि लोड मानती है, जैसे इसके भूस या कुछ भी चले जाते हैं तो ये मीटर ना उठकर 20 पे चलेगा। तो यदि 20 पे चलता है तो आपकी समर के भूस चले जा सकते हैं। तो दोस्तों हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो आपको ये जो ऑटोकट दिख रहा है, यदि इसके तार बिल्कुल सीधे लगे होंगे तो ये हरी लाइट है, हमेशा जलती रहेगी। यदि तार उल्टे लगे होते हैं तो ये लुकदुम करेगा। उस तारों को बदलने के बाद ही समर चालू हो पाएगी। जैसे कि यदि बाईपास भी दबाते हैं तो ये बटन से चालू होगी, ऑटो दबा देते हैं तो हर बटन से छोटी वाली बटन से चालू होगी, जो आपको जानते ही होंगे। और उसके बाद में तो मैं आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो डेल्टा है, इसमें जो डेल्टा बनता है वो कैसे काम करता है। पहले ही मैग्नेट जब चिपकती है ना, तो इसके साथ में ये वाली चिपकती है, इसके नीचे जो पत्ती लगी है, पत्ती ही डेल्टा बना के वापस भेजती है, तभी समर का सिंगल बटन पे पानी थोड़ा निकलता है। और इसके बाद में जब ही डेल्टा छोड़ता है तभी डबल ये चालू हो जाती है, उसके बाद में पानी तीव्र हो जाता है, क्योंकि दोनों केबलों में बत्ती जाने लगती है। और जब डेल्टा बनता है तब एक ही केबल में बत्ती जाती है, एक जोल्ट कर दिए जाते हैं, उसी तरह काम करता है, इसी को डेल्टा बोलते हैं। जो ट्रांसफार्मर से बत्ती उतरती है वो इस केबल के द्वारा नीचे आती है और स्टार्टर में प्रवेश कर जाती है। स्टार्टर में प्रवेश करने के बाद यहाँ से प्रोसेस होती हुई यहाँ पे आती है, जब ये मैग्नेट चिपकती है यहाँ से प्रोसेस होकर के नीचे निकल जाती है। फिर उसके बाद में जब दूसरी मैग्नेट चिपकती है फिर दूसरी प्रोसेस होकर के नीचे निकल जाती है। फिर बाद में समर पर बिजली पहुँचने के बाद बहुत चक्कर अच्छे बनते हैं। यदि आपकी समर एक निश्चित टाइम बाद बंद हो जाती है तो इस रिले को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि आपकी समर बंद नहीं होगी और अच्छी चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि रिले 19 पे कर देनी चाहिए, क्योंकि इस पे कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह का स्टार्टर लेना चाहिए, तीन बटन वाला कि ऑटोकट वाला। तो आपको ज़्यादा बेहतर तो ऑटोकट वाला ही रहेगा, क्योंकि तीन बटन वाले की जो मैग्नेट होती है ना वो चिपक जाती हैं और चिपकने के बाद में समर फूक जाती है, बहुत तेज फॉल्ट होता है। क्योंकि पहले बार मेरे पास एक तीन बटन वाला स्टार्टर था, वो यहीं पर रखा रहता था और समर कम से कम 7 बार फूक चुकी थी। जब से ये स्टार्टर लगाया है तब से समर एक भी बार नहीं फूकी है, क्योंकि ये स्टार्टर बहुत अच्छा काम करता है। जब भी बिजली आधी होती है ये कट कर देता है और तुरंत ही समर को बंद कर देता है। तो हम इस स्टार्टर की प्राइस बताता हूँ, ये 10,000 का आता है और जो तीन बटन वाला होता है वो 3,000 रुपये का आता है। LT का स्टार्टर है ये 10,000 रुपये का आता है और तीन बटन वाला SKN Bentex वाला 3,000 का आता है। और वो इतना अच्छा काम नहीं करता है क्योंकि उसकी मैग्नेट चिपक जाती हैं और समर की ऐसी कम तैसी हो जाती है, इसलिए आपको LT का स्टार्टर लेना चाहिए। ये सबसे बेस्ट स्टार्टर होता है, 10,000 का एक ही बार में आता है, लेकिन ये हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। एक बार अपनी समर में लगा के देखिए। इसमें और एक प्रोसेस बहुत अच्छी है कि आप घर से ही बंद कर सकते हैं अपने फ़ोन से, और इसमें ये आप देख सकते हैं फ़ोन का पूरा लगा हुआ है। आप किसी भी वेबसाइट से ना ख़रीदें, इसे किसी दुकान से ही ख़रीदें, क्योंकि वेबसाइट वाला हमेशा आइटम बेकार आता है, यदि ख़राब निकल जाएगा तो आप कहाँ बदलोगे, इसलिए आपको दुकान से लेना चाहिए और दुकान पे ही बदल सकते हो वहाँ पर जहाँ से आपने ख़रीदा है। यदि ख़राब स्टार्टर होगा तो आप वहाँ पे बदल सकते हो बहुत। तो हम आपको बताएंगे, जो ये केबल है ये 440 वोल्टेज की बत्ती देता है और फिर यहाँ से निकाल कर फिर 440 वोल्टेज डबल केबल से भेजता है समर की तरफ। और ये रही समर, आप देख सकते हैं इसकी भी बहुत अच्छी जो हमने फिटिंग कर रखी है, बहुत अच्छी कर रखी है, क्योंकि जिस नाली में पानी चाहिए होता है उसी नाली में
बाल खोल देते हैं उसी में चला जाता है। इसकी लंबाई जो हरा वाला ये बाल लगा है इसकी लंबाई 2 किलोमीटर तक की फैली हुई है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा खेत भरे जाते हैं, लगभग में 100 बीघा से ऊपर भरा जाता है। इस नाली की 500 मीटर से ज़्यादा है, लगभग 700 मीटर हो सकती है, और इससे भी 100 बीघा के खेत करीब भरे जाते हैं, लेकिन सब नहीं भर पाते हैं। सिर्फ जगह बेजगह कुछ ही खेत भरे जाते हैं, उसके बाद और नहीं भरे जाते हैं, क्योंकि हमारी मक्का सूख जाती है, इसलिए हम ज़्यादा किसी को पानी नहीं देते हैं, और वो लोग अपनी अपनी समरों से ही पानी ले जाते हैं। सिर्फ हमारे अपने खेत पर ही नाली डाली हुई है, और इसके बाद में 1 किलोमीटर और पड़ने के लिए है, वो भी पड़ेगी कुछ दिन। यदि यहाँ पर आने के बाद यदि आपको प्यास भी लगती है तो यहाँ पर सोचोगे कि पानी कहाँ पिएं, तो यहाँ पर हमने पानी की व्यवस्था भी बना रखी है। यहाँ से यह चुंगी खोलते हैं तो पानी निकलता है। इस वक्त बिजली नहीं है, इसलिए हम ये प्रोसेस नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हम बता सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक बाल लगा रखा है और यही यहाँ से पानी पी सकते हैं। यहाँ पर एक बाल ये बहुत लगाना ज़रूरी है, ये बाल नहीं लगाया तो आपकी नाली फट जाएगी, इसलिए ये बाल गैसकेट वाला बाल ज़रूर लगाना चाहिए हमेशा, ये बहुत अच्छा काम करता है।